एक उत्तर वैदिक काल। चार वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों का विकास हुआ। हम पहले देख चुके हैं कि वैदिक साहित्य की भिन्न भिन्न शाखाएं एक दूसरे से किस प्रकार विकसित हुई थी। चार वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों का विकास हुआ। ब्राह्मण गद्य रूप में आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के वैदिक यज्ञों एवं अनुष्ठानों और उनके उद्भव का ब्यौरा दिया गया है। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं और उन्हें आरण्यक इसलिए कहा गया है क्योंकि उनकी विषय वस्तु के दार्शनिक तथा आध्यात्मिक स्वरूप को देखते हुए उनका अध्ययन एकांत में अरण्य यानी वनों के शांत वातावरण में किया जाना चाहिए। आरण्यकों की दार्शनिक परंपरा की परिणति उपनिषदों में होती है जो वैदिक साहित्य का अंतिम चरण है। ऋग्वेद की विषय वस्तु कर्मकांडीय और दार्शनिक दोनों प्रकार की है। ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांडीय पक्ष का और उपनिषदों में दार्शनिक पक्ष का विशद विवेचन किया गया है। उपनिषद यज्ञों द्वारा धन धान्य एवं समृद्धि प्राप्त करने में विश्वास नहीं रखते बल्कि वे ऐसा ज्ञान प्राप्त करने पर बल देते हैं जिसके माध्यम से आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाए और संसार के आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाए। दो सबसे प्राचीन एवं सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपनिषद हैं छांदोग्य और बृहदारण्यकम्। अन्य महत्वपूर्ण उपनिषदों में कट, ईश, मुंडक, प्रश्न आदि को शामिल किया जाता है। भूगोल और नए राजनीतिक राज्य। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऋग्वैदिक लोगों का मुख्य आवास सिंधु तथा सरस्वती नदियों का घाटी प्रदेश था। पर्वती संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों के काल में वे वस्तुतः संपूर्ण उत्तर भारत में फैल चुके थे। अब सभ्यता सरस्वती क्षेत्र से स्थानांतरित होकर गंगा के क्षेत्र में फैल चुकी थी जिसे अब भारत की सबसे पवित्र तथा पूज्य नदी माना जाता है। इस प्रगति के साथ साथ एक उल्लेखनीय विकास ये भी हुआ कि विश्व का शनेह शनेह विस्तार होता गया और उसकी स्थिति सुदृढ़ होती गई। ऋग्वैदिक काल के प्रसिद्ध जन जैसे भरत, पुरु, त्रित्सु और तुर्वस अब धीरे धीरे अन्य जनों में विलीन होकर राजनीतिक मंच से लुप्त होते जा रहे थे। इस प्रकार कुछ राज्यों की स्थिति मजबूत हो रही थी और उनके क्षेत्र का विस्तार हो रहा था। ऋग्वैदिक काल में कुछ जन जो अपेक्षाकृत छोटी श्रेणी के थे जैसे पुरु पहले से अधिक शक्तिशाली बन गए और अधिक प्रभावशाली भूमिका अदा करने लगे। अब हम अनु, द्रुहु, तुर्वस, क्रिवी आदि जनों के बारे में नहीं सुनते। इनके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में कुछ अन्य राज्य भी विकसित हो गए जैसे काशी, कोसल, विदेह, मगध और अंग, किंतु दक्षिण भारत के क्षेत्रों के बारे में स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं है। अब राजनीतिक जीवन अधिक सुस्पष्ट हो चला था और भिन्न भिन्न राज्यों के बीच प्रभुत्व पाने के लिए संघर्ष एक आम घटना हो गई थी। एक छत्र साम्राज्य का आदर्श भी अब हावी होने लगा था। लोगों का पूर्व की ओर विस्तार शतपथ ब्राह्मण की एक कथा से प्रकट होता है। उसमें बताया गया है कि विदेह माधव किस प्रकार सरस्वती प्रदेश जो की वैदिक संस्कृति का गढ़ था से कोसल की पूर्वी सीमा सदानीरा आधुनिक गंडक नदी को पार करते हुए विदेह के राज्य आधुनिक तिरुवत में पहुंचा था। ग्रंथों से पता चलता है कि कोसल, काशी और विदेह नामक तीन राज्यों का विकास हो चुका था। ध्यान रहे कि सन 1950 तक हमें ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जिसके आधार पर हम गंगा की घाटी की संस्कृतियों को छठी शताब्दी ईपू से पहले ले जा सकें। उसके बाद हस्तिनापुर, अतरंजीखेड़ा और कई अन्य स्थलों पर हुई खुदाई से ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनसे 2000 ईसा पूर्व से बाद की संस्कृतियों की जानकारी मिली है। हाल में सोनभद्र जिले में राजा नल के टीले और अन्य स्थलों पर हुई खुदाई से पता चला है कि उसके निकटवर्ती क्षेत्र प्राचीन काशी और आज के वाराणसी जिले में लोहे का इस्तेमाल 1500 ईसा पूर्व में होता था। उत्तर हड़प्पा काल के कुछ विशिष्ट मृदभांड हैं। गैरिक मृदभांड 2000-1500 ईसा पूर्व, काले और लाल मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड 1200-600 बीसी आदि लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड बनाए जाने लगे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि भौगोलिक दृष्टि से तत्कालीन कुरु पांचाल प्रदेश वही था जो आजकल पश्चिमी तथा मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश कहलाता है। उपनिषदों में कुरु पांचाल प्रदेश को संस्कृति तथा समृद्धि का गढ़ माना गया है। ऐसा उल्लेख है कि पांचाल नरेश प्रवहन जयवाली प्रतिदिन पांचाल परिषद में उपस्थित होता था।
तत्कालीन ग्रंथों से प्रमाणित होता है कि कोसल, काशी और विदेह के तीन राज्य वैदिक सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र थे। अथर्ववेद में मगध और अंग का उल्लेख सुदूरवर्ती प्रदेशों के रूप में किया गया। ऋग्वेदिक किकात और मगध को एक ही माना गया है। मत्स्य जनपद का भी उल्लेख है। दक्षिण में विदर्भ महाराष्ट्र का उल्लेख मिलता है। मध्य पंजाब क्षेत्र में स्थित था, उससे आगे पश्चिम की ओर बाहुली केशन केकाय और कंबोज जनों के प्रदेश थे। राज्य व्यवस्था और प्रशासन। हम देखते हैं कि ज्यों ज्यों बड़े राज्य विकसित होते गए, त्यों त्यों राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा भी विकसित और विस्तृत होता गया। राज्य संख्या और आकार दोनों में बढ़ते जा रहे थे और राजतंत्र अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा था। राजा को दैवी उत्पत्ति की प्रतिष्ठा दी जाने लगी थी। उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने लगा था। साथ ही राजाओं के राजा की संकल्पना अस्तित्व में आने लगी थी। अधिकांश पाठों में अधिराज, राजाधिराज, सम्राट और एकराज जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद एकराज शब्द की परिभाषा सर्वोपरि सत्ताधारी शासक के रूप करता है। राजाओं के राज्याभिषेक के लिए विशेष प्रकार के यज्ञों जैसे वाजपे, राजसूय और अश्वमेध का आयोजन किया जाने लगा था। यद्यपि राजतंत्र ने अपने आप को सुदृढ़ नींव पर स्थापित कर लिया था, लेकिन राजा की सत्ता निरंकुश नहीं थी, बल्कि उस पर कई प्रकार की परिसीमाएं लगी हुई थी। राजतंत्र की परिधि के भीतर कई प्रकार के लोकतंत्रात्मक तत्व सक्रिय थे। उदाहरणार्थ, आय, जनता को राजा चुनने का अधिकार था। ई, राजा के अधिकारों तथा कर्तव्यों पर कई शर्तें लगी हुई थी। ई, राजा अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर रहता था और जन संस्थाएं, सभा और समिति राजा की तानाशाही पर अंकुश रखती थी। किसी भी परिस्थिति में राजा को राज्य का एकमात्र स्वामी नहीं समझा जाता था और न ही राज्य की संपूर्ण धन संपत्ति पर उसका एकाधिकार था। संपूर्ण राज्य को एक न्यास ट्रस्ट और राजा को उसका न्यासी ट्रस्टी माना जाता था। इस राज्य रूपी न्यास को वह इसी शर्त पर धारण करता था कि वह प्रजा की भलाई और प्रगति के लिए काम करेगा। मंत्रियों और पदाधिकारियों के अलावा प्रशासन के कार्य में सभा और समिति नाम की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। सभा एक संसद के रूप में कार्य करती थी और वाद विवाद तथा चर्चा के द्वारा राजकाज निपटाती थी। सभा का प्रधान सभापति कहलाता था, उसके रक्षकों को सभापाल और उसके सदस्यों को सभेय, सभासद या सभासीन कहा जाता था। सभा के संचालन के विषय में बाकायदा नियम बने हुए थे और वाजसनेयी संहिता में कहा गया है कि गलती करने वाले सदस्यों की भर्त्सना की जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सभा न्यायालय की तरह भी काम करती थी। ये कहा गया है कि जो सभा में उपस्थित होता है वह न्यायालय की तरह न्याय धर्म प्रदान करने के लिए ही बैठता है। समिति कार्य और गठन दोनों ही दृष्टियों से सभा से भिन्न थी। सभा एक छोटा प्रवर निकाय थी और वह निचले न्यायालय की तरह भी काम करती थी, जबकि समिति जनता की बड़ी सामान्य सभा होती थी। इसीलिए समिति को विश जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। ये बात इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि एक अवसर पर तो समिति राजा को चुनती है और दूसरे अवसर पर वह राजा के कुकृत्यों और अत्याचार के कारण अपनी उस पसंद को वापस लेकर राजा को राजपद से हटा देती है। किंतु ज्यों ज्यों समाज तथा राजनीतिक ढांचे में जटिलता बढ़ती गई, त्यों त्यों राज्य के अमले में भी बढ़ोतरी होती गई। हम अनेक नए राजकर्मचारियों का उल्लेख पाते हैं, जैसे सूत, रथ हांकने वाला, संग्रहित्री, खजांची, भागदूत, कर समाहर्ता, ग्रामिणी, गांव का मुखिया, स्थपति, मुख्य न्यायाधीश, दक्षिण, बढ़ई, क्षत्रि, कंचुकी और कई अन्य जिनके कार्यों का निश्चित रूप से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सभी से स्पष्ट है कि प्रशासनिक तंत्र अत्यंत सुगठित था और एक बड़े राज्य पर शासन करने का सर्वथा कुशल साधन था। उस युग की उदार भावना निम्नलिखित परामर्श में परिलक्षित होती है, जो यजुर्वेद के अनुसार राज्याभिषेक के अवसर पर राजा को पुरोहित द्वारा दी जाती थी, शासक के रूप में आज से तुम्हें संबलों और निर्बलों को निष्पक्ष भाव से उचित न्याय प्रदान करना होगा, लोगों की भलाई के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा और सर्वोपरि बात तो ये है कि तुम्हें देश को सभी प्रकार की विपत्तियों से बचाना होगा।
हम ये भी पाते हैं कि वैध कानूनी संस्थाओं पर भी पूरा पूरा ध्यान दिया जाने लगा था। राजा न्याय प्रदान करता था और अपराधियों को दंड देता था। अपराधों में चोरी, लूट खसोट, परस्त्रीगमन, अगमागमन, अपहरण और नरहत्या जैसे अपराध प्रमुख थे। गोहत्या, ब्रह्महत्या, मद्यपान, विश्वासघात आदि के लिए मृत्युदंड का विधान था। छोटे मोटे अपराधों का निपटारा ग्राम न्यायाधीश पंच किया करते थे। साक्ष्य के लिए प्रत्यक्षदर्शी साक्षी चश्मदीद गवाह को सूचना देने वाले की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता था। अपराधों के लिए दंड काफी कठोर होते थे। संपत्ति के उत्तराधिकार, भूमि के स्वामित्व आदि के मामले में कानून बहुत ही स्पष्ट था। पिता की संपत्ति उत्तराधिकार में बेटों को ही मिलती थी। बेटियों को ये तभी मिलती थी यदि पिता का कोई बेटा पुरुष संतान नहीं होता था अथवा बेटी ही उसकी अकेली संतान होती थी। सामाजिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक विकास हो रहा था वह अकेला ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटक नहीं था। उससे भी अधिक उल्लेखनीय परिवर्तन समाज तथा धर्म के क्षेत्र में धीरे धीरे होते जा रहे थे। ऋग्वैदिक काल में समाज चार वर्णों में विभाजित था। ये वर्ण कर्म यानी व्यवसाय पर आधारित थे और एक ही परिवार में भिन्न भिन्न सदस्य अलग अलग वर्णों का व्यवसाय अपना सकते थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। अब काम धंधे भी कई तरह के हो चले थे, उनके अनुसार अलग अलग जातियां बनने लगी थी। लेकिन अभी तक जाति व्यवस्था में वैसी कठोरता नहीं आई जैसी कि आगे चलकर सूत्रकाल में आ गई थी। यह अवस्था ऋग्वैदिक लचीले समाज और सूत्रकाल के कठोर समाज के बीच की स्थिति थी। जाति की उत्पत्ति उस युग में एक अत्यंत असामान्य घटना तो थी, पर शायद इसे असंभव नहीं कहा जा सकता। ऋग्वेद में विश्वामित्र को एक ऋषि बताया गया है, लेकिन ऐत्रेय ब्राह्मण उन्हें क्षत्रिय बताता है। इसी ब्राह्मण ग्रंथ में हम देखते हैं कि जाति के मामले में कठोरता आने लगी थी। चौथे वर्ण यानी शूद्रों की स्थिति दयनीय बना दी गई थी, क्योंकि उन्हें यज्ञ करने, पवित्र ग्रंथों को पढ़ने और यहाँ तक कि अचल संपत्ति के स्वामित्व के अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। जाति प्रथा की सबसे घृणित बुराई यानी अस्पृश्यता की अवधारणा ने अभी अपना सिर नहीं उठाया था। कवश, वत्स और सत्यकोम जाबाल जैसे व्यक्तियों के कुछ उदाहरण हैं जो ब्राह्मणेतर जातियों में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उन्हें महान ब्राह्मण माना जाने लगा था। कुल मिलाकर देखें तो अभी तक जाति प्रथा में अधिक कठोरता नहीं आई थी और उसमें ये तीन तत्व अर्थात परस्पर भोजन और परस्पर विवाह का निषेध और वंश से वर्ण का निर्धारण कठोर आधार पर अभी तक स्थापित नहीं हुए थे। आर्थिक जीवन। कृषकों, पशुपालकों, व्यापारियों आदि की सफलता एवं समृद्धि के लिए अथर्ववेद में दी गई अनेक प्रार्थनाओं से तत्कालीन आर्थिक समृद्धि के विकास का पता चलता है। ऐसी प्रार्थनाएं खेत की जोताई, बीजों की बुआई, वर्षा, पशुधन और संपत्ति में बढ़ोतरी और हानि पहुंचाने वाले जीव जंतुओं, जंगली जानवरों, डाकू लुटेरों और ऐसे ही अन्य हानिकारक तत्वों को दूर भगाने या उनसे बचने के लिए की जाती थी। हल को सिरा और हलरेखा को सीता कहा जाता था। गोबर का खाद के रूप में प्रयोग किया जाता था। हल में 6, 8 और यहाँ तक की 24 बैल जोते जाने का उल्लेख है। अनेक प्रकार के खाद्यान्न जैसे चावल, जौ, फलियां और तिल उगाए जाते थे। उनके लिए उपयुक्त ऋतुओं का भी उल्लेख है। जैसे जौ सर्दियों में उगाया जाता था और गर्मियों में पकने पर काटा जाता था। चावल, धान वर्षा ऋतु में बोया जाता था और शरद ऋतु में काटा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की कई क्रियाओं जैसे जोताई, बियाई, कटाई और गहाई आदि को गिनाया गया था। खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कई जीव जंतुओं का भी उल्लेख मिलता है। जैसे छछुंदर बीज को नष्ट कर देते थे और अन्य जीव कोमल अंकुरों को काट डालते थे। अथर्ववेद में कहा गया है कि सूखे तथा अतिवृष्टि से खेती को हानि पहुंचती है। पशुधन को बहुत महत्व दिया जाता था और अथर्ववेद का एक काफी लंबा मंत्र ये दर्शाता है कि गायों को पूज्य माना जाता था और गोहत्या के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था थी। अनेक संदर्भों में धनी वणिकों एवं व्यापारियों का उल्लेख मिलता है। ब्याज पर ऋण दिया जाता था। तौल और माप की विशिष्ट इकाइयों का भी प्रयोग होता था। निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में किसी खास भार आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। बाजार में मोल भाव करने का रिवाज ऋग्वैदिक काल से ही चला आ रहा था।
समुद्री मार्ग से भी व्यापार की जानकारी थी और ऐत्रेय ब्राह्मण में अथाह अनंत जलधि और पृथ्वी को घेरने वाले समुद्र का उल्लेख है। बलि पहले राजा या मुखिया को स्वेच्छा से भेंट के रूप में दी जाती थी, लेकिन अब उसने नियमित कर का रूप धारण कर लिया था और उसे राजनीतिक तथा प्रशासनिक ढांचे के रख रखाव के लिए बाकायदा वसूल किया जाने लगा था। उद्योग और काम धंधों में अब उल्लेखनीय विकास हो चुका था। इस काल में हम मछुआरों, वनपालों, धोबियों, नायों, कसाईयों, हाथी पालकों, महावतों, पदातियों, संदेशवाहक, आभूषण, टोकरियां, रस्सियां, रंग, रथ, धनुष आदि बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, कुम्हारों आदि का उल्लेख पाते हैं। व्यापारियों, वणिक श्रेणियों, सार्थवाहों और समुद्री व्यापार का भी अनेक स्थलों पर उल्लेख किया गया है। शिल्पियों की श्रेणियां भी अस्तित्व में आ चुकी थी। श्रेणी गिल्ड के मुखिया श्रेष्ठी का भी अनेक प्रसंगों में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदिक काल में हम अयस का ही उल्लेख पाते हैं, जिसका अर्थ तांबा कांसा लगाया गया है। इस युग में नए धातु अर्थात लोहे के आविष्कार से हम श्याम अयस लोहा और लोहित अयस तांबा शब्द का भी उल्लेख पाते हैं। इनके अलावा सोने सीसे और वन रांगे का भी उल्लेख पाया जाता है। लोहे का इस्तेमाल हथियार और नहरने हथौड़े चिमटे हल्की फाल आदि वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता था। तांबे से बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी का उपयोग आभूषण तथा प्लेटें आदि बनाने के लिए किया जाता था। शिक्षा इस काल में तरह तरह के साहित्य की व्यापक रूप से वृद्धि हुई। उपनिषदों में बौद्धिक उपलब्धियों का उच्चतम स्तर देखने को मिलता है। उपनिषद निस्संदेह तत्कालीन बौद्धिक क्रियाकलाप एवं चिंतन की परम परिणति है। शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार से होता था, जो बच्चे का दूसरा जन्म समझा जाता था। इसलिए इस संस्कार के बाद बच्चे को द्विज की संज्ञा दी जाती थी। विद्या का लक्ष्य धर्मनिष्ठा ज्ञानार्जन अर्जित ज्ञान की रक्षा संतति धन दीर्घायुष्य और अमरत्व प्राप्त करना माना जाता था। इस प्रकार विद्यार्थी जीवन के सांसारिक तथा आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। शिष्यों के कर्तव्य भलीभांति परिभाषित थे। आलोच्य काल यानी उत्तर वैदिक काल में अध्ययन के तीन चरण थे। प्रथम चरण में शिष्य गुरुजनों के घर में परिवार के सदस्यों की तरह रहते थे और घर गृहस्थी के कामों में हाथ बटाते थे। इसके अलावा एक गुरु अथवा अध्यापक द्वारा संचालित विद्यालय पाठशाला भी होता था। अध्यापक अपने विद्यालय में प्रवेश देने के लिए स्वयं शिष्यों का चुनाव करता था। शिक्षा के और भी साधन थे। शिक्षित व्यक्ति गृहस्थ के रूप में भी अपने ज्ञानार्जन की प्रक्रिया चालू रखता था। इसके लिए वह विद्वानों से शास्त्र चर्चा करता रहता था और भिन्न भिन्न केंद्रों अथवा स्थलों पर उपलब्ध ऋषि मुनियों तथा विद्वानों के पास नियमित रूप से जाता रहता था। भिन्न भिन्न जनपदों में ज्ञानार्जन के लिए राजा के संरक्षण में परिषदें भी होती थी। इन आवामी विद्यालयों उच्च अध्ययन के विद्यापीठों और दार्शनिक चर्चा एवं शास्त्रार्थ के लिए आयोजित परिषदों एवं मंडलों के अतिरिक्त राजाओं द्वारा विविध जनों की विशाल सभाएं आयोजित की जाती थी, जिनमें ज्ञानार्जन के लिए भारी प्रोत्साहन मिलता था। ऐसे आयोजनों का एक विशिष्ट उदाहरण है विदेह के राजा जनक द्वारा आयोजित महान विद्वत सम्मेलन, जिसका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में प्रमुख थे याज्ञवल्क्य, उद्दालक आरुणी, शाकल्य, गागी और अनेक अन्य विद्वान। इस सम्मेलन और इसमें चर्चित विभिन्न विषयों का विवरण विस्तार से बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है। शिक्षा उन्हीं गुरुओं से ली जाती थी जो प्रकांड पंडित होते थे। हम पढ़ते हैं कि याज्ञवल्क्य उद्दालक आरुणी के साथ अपनी शिक्षा संपन्न करने के बाद जनक राजा एवं क्षत्रिय के पास दर्शन तथा अन्य विषयों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया था, किंतु जनक की सभा में याज्ञवल्क्य ने सभी सहभागियों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया और वहां उसे सर्वोच्च विद्वान तथा प्रज्ञान घोषित किया गया। ये भी उल्लेखनीय है कि स्त्रियां भी बौद्धिक क्रियाकलाप एवं शास्त्रार्थ में भाग लेती थी। गागी और मैत्रेयी ऐसी विदुषियों के उत्कृष्ट उदाहरण है। ऋग्वेद में ऐसी अनेक स्त्रियों का उल्लेख है जिन्होंने मंत्रों की रचना की थी। उस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि क्षत्रिय लोग भी बौद्धिक क्रियाकलाप में भाग लेते थे। विदेहराज जनक, पांचाल नरेश प्रवहन जयवाली, काशी नरेश अश्वपति कैकेय, जो सभी क्षत्रिय थे, ऐसे सुप्रसिद्ध विद्वान थे
जिनके पास सुशिक्षित ब्राह्मण भी आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। तत्कालीन ग्रंथों में उस समय के पाठ्य विषयों का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में इन विषयों का उल्लेख है। वेद, गणित, खनिज विद्या, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, सैन्य विज्ञान, ज्योतिष, विश्वविद्या, ललित कला और शिल्प, संगीत और आयुर्विज्ञान। मुंडक उपनिषद में अध्ययन के इन सब विषयों को अपराविद्या कहा गया है। पराविद्या नाम की एक अन्य श्रेणी के अंतर्गत परमज्ञान यानी आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त की जाती है, जो जीवन, मृत्यु, ईश्वर आदि के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करती है। धर्म और दर्शन। ब्राह्मण ग्रंथों में याज्ञिक कर्मकांड और आनुष्ठानिक धर्म का विकास दिखलाया गया है और यह बताया गया है कि उसके परिणाम स्वरूप पौरोहित्य कर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले यज्ञों की पद्धति बड़ी सरल होती थी और यज्ञ एक दो दिन ही चलते थे, लेकिन अब याज्ञिक अनुष्ठानों की संख्या और अवधि दोनों ही बढ़ गई थी। कुछ अनुष्ठान तो 12 दिन से 1 वर्ष तक अथवा इससे भी अधिक लंबे समय तक चलते थे। ऋग्वेद में साथ ही पुरोहितों और 2 प्रधान पुरोहितों का उल्लेख है, लेकिन अब बड़े पैमाने पर यज्ञ करने के लिए 17 पुरोहितों की आवश्यकता होने लगी थी। इनके अलावा अनेक घरेलू धार्मिक कृत्य एवं संस्कार होते थे जो मनुष्य के संपूर्ण जीवन में जन्म से मृत्यु पर्यंत चलते रहते थे, बल्कि कुछ क्रिया कर्म तो मृत्यु के बाद भी दिवंगत आत्माओं के लिए संपन्न किए जाते थे। ये धार्मिक कृत्य और अनुष्ठान इस लोक में सफलता प्राप्ति के साधन ही नहीं थे, बल्कि इन्हें स्वर्ग में परमानंद की प्राप्ति का साधन भी माना जाता था। शीघ्र ही तपस्या, ध्यान एवं चिंतन मनन ने प्रमुखता प्राप्त कर ली। मनुष्यों ने तपस्वियों एवं सन्यासियों जीवन इस विश्वास के साथ धारण कर लिया कि उन्हें केवल स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि वे अपने आप में कुछ आध्यात्मिक, असाधारण एवं अतिमानवीय शक्तियां भी विकसित कर लेंगे। एक ओर तो विस्तृत कर्मकांड, अनुष्ठान और तप ऋग्वैदिक काल के साधारण धर्म कर्म एवं पूजा पाठ का स्थान लेते जा रहे थे, तो दूसरी ओर मनीषीजन अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए बौद्धिक खोज में इस संकल्प के साथ संलग्न थे कि मोक्ष की प्राप्ति सच्चे ज्ञान से ही हो सकती है। इसलिए ये सिद्धांत स्थापित किया गया, जो परमात्मा को जानता है वही परमात्मा को प्राप्त करता है, अपितु वह स्वयं परमात्मा है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वेद कर्मकांड और ज्ञान के अंतर को पहचानते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर ही उस अंतर पर विशद रूप से विचार किया गया। इन प्रारंभिक दार्शनिक ग्रंथों को सामान्य रूप से उपनिषद कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या लगभग 200 है। उनमें से प्राचीनतम उपनिषद बृहदारण्यक और छांदोग्य हैं, जिनमें परमात्मा, मनुष्य, विश्व आदि के विषय में मानव चिंतन की शाश्वत समस्याओं एवं पहेलियों के बारे में साहसिक कल्पनाएं की गई हैं। उपनिषदों को विश्व के समस्त आध्यात्मिक चिंतन में भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान माना गया है, जो उचित ही है। महान दार्शनिक शोपेनहावर ने उपनिषदों के फारसी अनुवाद के लैटिन अनुवाद को पढ़ने के बाद लिखा था, प्रत्येक वाक्य से गंभीर, मौलिक एवं उदात्त विचार अभिव्यक्त होते हैं और वह संपूर्ण साहित्य उच्च, पवित्र और गंभीर भावना से ओतप्रोत हैं। हम भारतीय परिवेश एवं बंधुत्व से भाव विभोर हो गए हैं। यहाँ तक कि मैक्समुलर ने भी कहा है कि इस दार्शनिक साहित्य के प्रारंभिक ग्रंथों को किसी भी युग तथा किसी भी देश में मानव मस्तिष्क से उत्पन्न अत्यंत विस्मयकारी कृतियों के बीच विश्व साहित्य में सदैव स्थान मिलता रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों से इस काल के विभिन्न विज्ञानों के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तत्कालीन विद्वान गणित और उसकी भिन्न भिन्न शाखाओं यानी अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित और ज्योतिष से परिचित थे। वैदिक लोग क्षेत्रफल में त्रिभुजों, वृत्तों के बराबर के वर्ग बनाने का तरीका जानते थे और वर्गों के जोड़ और अंतर का हिसाब लगा सकते थे। शून्य की जानकारी तो ऋग्वेद के समय ही लोगों को थी और इसी की बदौलत बड़ी बड़ी संख्याएं दर्ज की जा सकती थी। प्रत्येक अंक के स्थानीय मान और उसके निरपेक्ष मान की भी जानकारी थी। वे लोग घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल आदि से परिचित थे और उनका प्रयोग की करते थे। वैदिक काल में ज्योतिष का बहुत विकास हो चुका था। वैदिक लोग आकाशीय पिंडों यानी ग्रहों, नक्षत्रों आदि की गति को जानते थे और भिन्न भिन्न समय पर उनकी स्थिति का हिसाब लगा सकते थे। इससे उन्हें सही पंचांग बनाने और सूर्य तथा चंद्र ग्रहणों के समय के बारे में भविष्यवाणी करने में सहायता मिलती थी। वे ये भी जानते थे कि पृथ्वी अपने अक्ष,
धुरी पर और सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। उन्होंने आकाशीय पिंडों के परिक्रमण के समय और सूर्य से उनकी दूरी का हिसाब लगाने का भी प्रयास किया था। उनकी गणनाओं के परिणाम लगभग वही हैं, जो अब आधुनिक तरीकों से निकाले गए हैं।